नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फिरोजाबाद से ये खबर। भाजपा हटाओ औलाद बचाओ। जहां भाजपा सरकार बना रही है आपको बलि का बकरा। फिरोजाबाद के सिरसागंज में लगाए समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बकरे का फोटो लगाकर इस तरह से होर्डिंग की है। जहाँ 2022 का चुनाव जैसे ही पास आता जा रहा है, सभी पार्टी अभी अलग अलग हथकंडे अपनाने में लगी हुई है। फिरोजाबाद के सिरसागंज में समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत के लिए खड़ी हुई रुचि यादव, जो कि चुनाव हार गई थी, उनके ससुर विजेंद्र यादव ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के फोटो लगाकर और अपने परिवार का फोटो लगाकर होर्डिंग लगाए हैं। उस पर यह दर्शाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी आपको बकरा बना रही है। अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हटाओ और अपने बच्चों को बचाओ, ऐसे होर्डिंग सिरसागंज विधानसभा में लगे हुए हैं। और होर्डिंग पर बकरे का भी फोटो लगाया गया है, आपको बता दें साफ साफ दिख रहा है। और बकरे से ऊपर अखिलेश यादव का फोटो भी लगा हुआ है, जिसमें ये दर्शाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी जनता को बकरा बना रही है और उनके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। आप पूर्व मंत्री भी रहे हैं और इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके ससुर जी भी हैं। एक समाजवादी पार्टी द्वारा एक पोस्टर लगाया कि भाजपा हटाओ औलाद बचाओ और उस पर बकरे की फोटो भी लगाई गई, सर ये किस तरह का प्रचार समाजवादी पार्टी करी 2022 के चुनाव को लेकर, कैसे मानते हैं आप? वो कुछ नया नहीं कर रहे हैं, उनकी सोच, उनकी मानसिकता, उनकी कार्यशैली यही रही है। और वास्तविकता में आप सब जानते होंगे कि नहीं कि इन कुकर्मों की वजह से दुंडई अराजकता के खिलाफ और इसी तरह के कुकृत्यों के कारण ही उत्तर प्रदेश में व्यापक परिवर्तन जनता ने किया और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाने का काम इन्हीं के इन कुकृत्यों से हुआ। अच्छा, जो होर्डिंग आज भी जो बले के बकरे की बलि वाला अगर ये इस तरह का पोस्टर लगाए हुए हैं तो बलि किसकी चढ़ी? बलि उत्तर प्रदेश की उस जनता की चढ़ी जो 12 से 17 तक कुचली गई। बलि उन लोगों की चढ़ी जो अच्छे लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, जिनको बेरोजगारी के नाम पर ठगा गया। बलि उन लोगों की चढ़ी कि कॉन्स्टेबल की भर्ती में बाप और बेटा और नाती एक साथ भर्ती हो गए और जो योग्य लड़के थे वो लोग अपनी भर्ती से वंचित हो गए। बलि उन लोगों की चढ़ी जो समाज में ईमानदार भले लोग थे। बलि उन लोगों की चढ़ी समाजवादी पार्टी के शासन में जो समाज में सुख शांति अमन चैन चाहते थे। तो मुझे लगता है कि ये अपने उन कुकृत्यों की याद दिला रहे हैं, जनता को याद दिला रहे हैं कि हम लोगों के क्या कुकृत्य रहते हैं, ये उसी का आइडेंटिफिकेशन है। अच्छा, आपकी जब बहुत चुनाव लड़ी थी तो ये कंपटीशन थी रुचि यादव, उनके ससुर विजेंद्र यादव ने लगाया है और सिरसागंज में ये वोटिंग्स ले गए हैं, तो ऐसा कुछ बदले की भावना है क्या? ऐसा क्या लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि जिला पंचायत चुनाव हारने के बाद विजेंद्र यादव के फोबिया हो गया है, कुछ लोगों को फोबिया हो जाता है, उन्हें विधानसभा का फोबिया सिर पे चढ़ के बोल रहा है। और मेरी शुभकामनाएं, अच्छा है चुनाव लड़े, मेरी शुभकामनाएं।